Okay, so up till now we have seen the first part of the third chapter, that is a leading point. So we have completed the leading point. So we have seen the what is the role of the planning, what is the role of the organizing, what is the role of the leading. Now we are here for seeing the role of the controlling. What is mean by controlling and why controlling is even important in any organization? So first of all, we understood what is meaning of the controlling and what is the work of the controlling and what is the actual process of the controlling, what parameters we are going to see in this controlling point. Okay, so first of all we will see the controlling. Controlling means it is one of the process where we are going to just monitoring the performance and the taking corrective action, okay, at that desired time for the achieving the desired output, whatever the setting from the organization side. So we'll see here definition is there. So controlling is the process of the monitoring of performance and taking action to ensure desired result. म्हणजे जे काय आपण आतापर्यंत प्लॅनिंग पासून ते मॅन्युफॅक्चरिंग पर्यंत जे काही आपण प्रोसेस करतो ऑर्गनायझेशन मध्ये, जे काही तुम्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला मॅनेजर एम्प्लॉई जे सेट केलेत त्यांना जे तुम्ही काम दिलं होतं ते व्यवस्थित सुरू आहे का नाही हे फक्त मॉनिटर करणे हे म्हणजे कंट्रोलिंग. आणि जर कुठं चुकीचं झालं असेल तर ते दुरुस्त करून त्याच्यावरती कोर्स ऑफ ऍक्शन घेऊन ते परत व्यवस्थित काम करणे ह्याला काय म्हणायचं कंट्रोलिंग. अँड इट सीम्स टू दॅट द राईट थिंग्स हॅपन्स इन द राईट वेज अँड ऍट द राईट टाइम. सगळ्या दिलेल्या गोष्टी योग्य गोष्टी योग्य वेळेस योग्य पद्धतीनं आणि योग्य वेळेत होतात का नाही हे चेक करणं म्हणजे कंट्रोलिंग. ओके, सो वी विल सी अनदर डेफिनेशन. कंट्रोल कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट, हे एक मोजमाप आहे. अँड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मन्स इन ऑर्डर टू मेक शुअर दॅट एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव अँड द प्लॅन डिवाइडेड टू अटेन देम आर अकम्प्लिश्ड. जे काय कंपनीनं जे काय ऑर्गनायझेशननं त्यांचं ऑब्जेक्टिव त्यांचे गोल्स जे सेट केलेत त्यानुसारच तुम्ही तिकडं ते काम करताय का, नाहीतर कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ह वेगळे आणि तुम्ही आउटपुट काढताय वेगळे, दॅट दॅट थिंग शुड नॉट बी हॅपन. ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव टू डू वन थिंग दॅट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग. सो इट इज नथिंग बट वन ऑफ द सिम्पल वर्ड वी कॅन से इट इज अ मेजरमेंट अँड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मन्स इन ऑर्डर टू अचीव द कंपनीज और एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव विथ करेक्टिव मॅनर. ओके, सिंपल सिंपल डेफिनेशन. सो नेक्स्ट थिंग, नाउ यू कॅन सी दिस इज द प्रोसेस चार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग. सो व्हॉट एव्हर दॅट वी आर गोइंग टू कंडक्ट द कंट्रोलिंग पार्ट, सो व्हॉट ऍक्च्युली वी आर गोइंग टू कंडक्ट द कंट्रोलिंग पार्ट दॅट थिंग्स वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल्स. सो हियर वी विल सी स्टेप्स इन दॅट कंट्रोलिंग पार्ट. सो फर्स्ट स्टेप इज इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द स्टँडर्ड्स. ज्यावेळेस कोणतीही एखादी गोष्ट आवर कंट्रोलिंग मीन्स नथिंग बट अँड टेकिंग करेक्टिव ऍक्शन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट कंट्रोलिंग डेफिनेशन वी आर सेटिंग सम प्रोसेसेस ड्युरिंग टेकिंग कंट्रोलिंग ओव्हर द अवर ऑर्गनायझेशन ऑब्जेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशनल प्रोसेस. सो इन दॅट वी आर गोइंग टू मेक वन फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप्स दॅट इज अ इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द स्टँडर्ड्स. बिफोर गोइंग टू टेक एनी मेजरमेंट वी हॅव टू टेक सम डू वन स्टँडर्ड स्टँडर्ड पार्ट. सो वी कॅन जस्ट वी कॅन कॉल एज अ कम्पेअर दॅट स्टँडर्ड व्हॅल्यू टू अवर अचीव्ड व्हॅल्यू. सो वी कॅन से इझिली की दिस इज करेक्ट ऑर दिस इज रॉंग. ओके, लाईक दिस वे वी कॅन जस्ट कम्पेअर टू अवर स्टँडर्ड अँड वी विल फर्दर प्रोसीड. ओके, लाईक दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू मेक सम स्टँडर्ड. इन दॅट स्टँडर्ड देअर आर अगेन टू टाईप, क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह स्टँडर्ड्स. ओके, इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स अँड क्वालिटी. सो वी हॅव टू अगेन मेक टू टाईप्स स्टँडर्ड्स, मेक स्टँडर्ड्स. वन इज अ क्वालिटेटिव्ह अँड सेकंड इज अ क्वांटिटेटिव्ह. देन सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मन्स. सो अगेन सेकंड वी हॅव टू मेजर
the performance, each and every department, each and every workstation machine, if they are working correctly, then no problem, we can carry forward. If there is something going to a wrong thing, so we can just take some corrective action and then we'll go for the again input value. Then comparison of the performance, again whatever we have setting the standards, again we have to compare with that standard value or achieved value, and then we have to compare that value. Okay, then analysis of the deviation. If you will got some deviation, suppose whatever we have set standard value is 100 and we will achieve the 95, so whatever that 5 deviation is there, why that 5 deviation is come to picture, so we have to try to analyze that deviation and we try to minimize that deviation values with our mechanism. Okay, and for that mechanism we will take some corrective action according to that deviation, and we will try to minimize that deviation values. Okay, so these are the some processes of the control. This is the basic chart of the controlling. We can say just very important steps in controlling in every organization. So before moving towards this controlling techniques, we will see in details with this process of the controlling within short video. फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं और हमने एक-एक करके वो सारे ओके सो आई हैव स्टार्टेड मैनेजमेंट का वन बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग. व्हाट इज मीन बाय इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय कंट्रोलिंग. सो वी विल सी वन शॉर्ट डेफिनेशन. दे आर ट्राइंग टू गिव सम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स. ओके क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, रेगुलर ऊपर नीचे है, देखेंगे ना कि हमने जो इतनी मेहनत की है अलग है. कंट्रोलिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग आपको एक चांस देती है कि आप पता लगा पाए कि आपने जो सोचा था और आपने जो अचीव किया है क्या वो सिमिलर है या उनमें फर्क है, या उनमें क्या है फर्क है. अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी आपको कंट्रोलिंग ही बताएगी. तो इसमें हम बोल सकते हैं कंट्रोलिंग का मतलब है नजर रखना, मॉनिटरिंग करना, सर्विलेंस करना, ये देखना कि भैया आपने जो प्लान किया था क्या आपने अचीव किया है या नहीं किया है. अब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं और उसकी मदद से हम समझेंगे कि कंट्रोलिंग एग्जैक्टली यू कैन सी दे आर ट्राइंग टू गिव वन एग्जांपल, जस्ट सी केयरफुली. ओके एंड लिसन केयरफुली. फॉर से हम इसको नाम देते हैं शुभम. तो ये एक स्टूडेंट है, कौन सी क्लास का, 12th क्लास का, क्योंकि हम 12th पढ़ रहे हैं तो 12th क्लास का स्टूडेंट है शुभम. 12th क्लास में पढ़ रहा है, मतलब अभी उसने एंट्री ली है, अभी 11th क्लियर किए विद गुड मार्क्स, अब ये 11th में आया, 12th में आया. जब हम 12th में आते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रेशर आपके सर पे होते हैं कि आपको इसके बाद कॉलेज इसी के मार्क्स पे मिलेगा, लाइफ में आपको क्या करना है, 12th ही बेसिस रहेगा, ये वो पता नहीं कितने कितने सारे मिथ आपके सर पे ऐसे फेंक दिए जाते हैं सोसाइटी द्वारा. तो यहाँ पे शुभम के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई रिलेटिव आके अरे बेटा आप तो ध्यान से पढ़ना, 12th क्लास है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, या फिर कोई बोल रहा बेटा 12th में जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा तुम कौन से वाले कॉलेज में जाने वाले हो. तो शुभम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशराइज था, इसने सोचा मैं क्या करूं, ऐसा मैं ऐसा क्या करूं, क्या करूं कि मेरे अच्छे मार्क्स भी आए और मैं अपने आप को सेटिस्फाई भी कर पाऊं और सब कुछ बहुत अच्छा रहे. तो इसने बोला चलिए भैया अपन बनाते हैं टाइम टेबल किस चीज का टाइम टेबल, इस चीज का टाइम टेबल कि मुझे किस टाइम पे कैसे पढ़ाई करनी है. एट द सेम टाइम मैं देता हूं अपने आप को कुछ टारगेट्स,
एट द सेम टाइम मैं अपने लिए सेट करता हूं कुछ गोल्स। इसने गोल सेट किया कि मुझे लाने हैं 95% प्लस मार्क्स। आजकल बच्चों की डिमांड इतनी होती है। हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था कि लोग 80% पे ही बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे, लेकिन आपका जमाना ऐसा है जब बच्चे हमेशा 95, 96, 97, 98, 99, 100 केस वो देखते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं था कि ओके, 100 सो हंड्रेड परसेंट ही चूज होते हैं, दे आर लेकिन सेइंग देयर डीयू ने अपना हाथ ऑर्गेनाइजेशन 100 टारगेट, परसेंट करके सो बच्चों को मजबूर कर दिया है कि अब 98, दैट 95% 99, दैट इज अ 97 तो लाने ही है, ये टारगेट। तो ओके, मिनिमम ही है। मतलब ऐसे बोलो कि ये तो आजकल एवरेज वाला हो गया, क्योंकि आई हैव सीन लास्ट कुछ ईयर्स में डीयू ने ऐसे बच्चों को भी एडमिट की नहीं किया जिनके 96% आए थे। सोच के देख ले, 96 कितने बड़ा अमाउंट होता है, और उन बच्चों को भी डीयू में एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि उनका कट ऑफ 97, 98, 99 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसे गया था। तो ऐसे में आपको उसमें एडमिशन चाहिए, डीयू में एडमिशन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो आपको उतना देना पड़ेगा अपनी तरफ से, राइट? सो यहाँ पे इसने सोचा 95 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अगर डीयू नहीं मिला तो उससे जो सेकेंड बेस्ट होगा वहां पे मैं जाऊंगा। चलिए, ये इसने गोल सेट कर लिया, इसने टारगेट सेट किए कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतने इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं एक एक दिन में, और मेरा टाइम टेबल इतना रहे ऐसा रहेगा कि 3 महीने में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये तीनों चीजें इसने डिसाइड कर ली। अब देखिए, 12th में ना झटके आराम आराम से मिलते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली बोर्ड हो जाते। पहले आता है यूनिट टेस्ट, फिर आते हैं हाफ ईयरली, फिर आते हैं दोबारा से यूनिट टेस्ट या सीसी जो जो बोलते हैं उसको, फिर आते हैं आपके प्री बोर्ड जिसमें आपको एग्जैक्ट फील दिया जाता है कि बेटा अब तुम्हें बोर्ड कैसे फेस करने हैं। प्री बोर्ड एक ऐसा चीज होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि बोर्ड में आपको क्या प्रेशर झेलने को मिलेगा, किस प्रकार से एग्जाम्स आते हैं, किस प्रकार से आपको बिहेव करना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल ऐसे एक रेप्लिका बना दिया गया है बोर्ड्स का, ताकि आप घर स्कूल में ही रह के थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए उस एनवायरनमेंट के। तो चलिए, प्री बोर्ड्स में अभी तक इसका रिजल्ट ठीक ठाक चल रहा था, बट इसने कभी इतनी हार्डकोर वाली वो नहीं की थी एनालिसिस। लेकिन जैसे ही प्री बोर्ड्स हुए, तो इसने बोला कि अगर मैं प्री बोर्ड्स अच्छे से देता हूं, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ जितना मैं बोर्ड्स देने वाला हूं, तो फिर मेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। तो इसने प्री बोर्ड्स में अपनी पूरी जान लगा दी, जैसे हम बोर्ड्स में लगाते हैं ना, इसने प्री बोर्ड्स में लगा दी। इसने जब प्री बोर्ड्स में जान लगाई तो इसके आए 80%। ऐसे मानिएगा इसने अपना 100% दिया, 100 का भी 200% दिया है। खाना बंद, सोना बंद, दोस्तों के साथ खेलना बंद, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना बंद, घर वालों के साथ शादियों पे जाना बंद, सब बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। कितने प्रतिशत आए, कितने परसेंट आए, 80%। सोचे कितने थे, 95। और इसने बिल्कुल बकायदा ये देखा कि भैया मेरे को बिल्कुल बोझ की तरह देना है। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, प्लान क्या है, और एक्चुअल क्या है, देख रहे हैं? एक्सपेक्टेड क्या था, 95% था, आए कितने, 80%। अब आप मुझे बताइए कि इसको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि मैं कहीं गलत जा रहा हूं। वो बात उसको कहां से समझ में आई होगी, उसको यहां से समझ में आई होगी कि मेरी प्लानिंग कितनी थी, मैंने गोल कितना सेट किया था, मैंने अचीव कितना किया है। कितना डिफरेंस है, 15% का डिफरेंस है। मतलब काफी वास्ट डिफरेंस है। ऐसे होता ना 93, 94, तो वो उतना ज्यादा फोकस नहीं करता। अब इसने देखा 15% का वो है डिफरेंस, तो अब इस 15% को कैसे करेक्ट किया जाए, तो अब हम लेंगे करेक्टिव मेजर्स। तो इसने डिसाइड किया कि अब मैं देखता हूँ मेरी कहाँ कहाँ गलती की है। इसने गलतियां की ऐसे कि इसने बाकी सारी चीजें छोड़ दी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जो कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से आंसर हो जाए, तो इसने उस चीज पे फोकस ही नहीं किया था क्योंकि बुक्स में डूबा हुआ था। इसके अलावा इसने ग्रुप स्टडीज नहीं की थी, जिन लोगों ने ग्रुप स्टडीज की थी उनको उनका एक आधा क्वेश्चन मैच कर गया था जो उन्होंने ग्रुप स्टडी में डिस्कस किया था। तो इसने सोचा कि थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना बुरा नहीं है, ग्रुप स्टडीज करना भी बुरा नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें इसने एनालाइज की, और उसके बाद उसने करेक्टिव मेजर्स लेके बोर्ड्स में 96% लाए। अब बोर्ड्स हो गए हैं और इसको आए हैं कितने परसेंट, 96%।
अब आप मुझे बताइए कि ये जो एनालिसिस था इसका एक्सपेक्टेड और एग्जीक्यूटेड में या फिर प्लान और एग्जीक्यूटेड में इसको क्या बोलते हैं? और ये चेक करना, एनालाइज करना, करेक्टिव मेजर्स लेना क्या होता है? वो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम यही करते हैं, जो आपने अपने लिए प्लान किया है, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान किया है और जो आपने वाकई में अचीव किया है, दोनों को ही चेक करेंगे कि क्या वो मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं पे डेविएशन आ रही है, डेविएशन का मतलब होता है कि जो आपने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट हो गया, तो ये डेविएशन कहलाई जाती है। तो कहीं अगर डेविएशन आ रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें बताती हैं हमें कौन? कंट्रोलिंग बताता है। कंट्रोलिंग पुलिंग होगा, स्लीलिंग होगा, जो भी होगा देख लेना, ठीक है? तो कंट्रोलिंग इज नथिंग, कंट्रोलिंग इज बेसिकली चेकिंग कि आपने जो सोचा था और आपने जो किया है उसमें कितना अंतर है, एंड एट द सेम टाइम अगर उस अंतर को हम कम कर सकते हैं या आगे के लिए संभाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स भी काइंड ऑफ इसी का ही पार्ट है। इसको मोर लाइक हम सर्वेलेंस वाला काम समझते हैं, मॉनिटरिंग वाला काम समझते हैं, नजर रखने वाला काम करो समझते बारे में हैं, किसे कहना का कि ठीक है? कंट्रोलिंग का है, हाँ, कि सिंपल एग्जांपल नहीं, मिले, मैंने ठीक यही बोला है कि है। भैया प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल, सो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोलिंग स्किल। वो ऑलरेडी वी हैव ये प्लानिंग सीन, ऐसी सो है नाउ जस्ट जो आप वी विल कहीं टेक भी द नहीं ओवरव्यू समझ ऑफ सकते। दिस सारे फंक्शंस पे सेम लाइन अगर आप देंगे, मारेंगे बोर्ड वालों को, वो ले लेंगे, क्योंकि इट इज लाइक दैट। अगर वो इतना इसको मत लिखिएगा अपने पेपर में। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन देन फाइंडिंग आपको याद हो जाना चाहिए। इनके बाद हेनरी फ्योल साहब हैं, इनको तो हम भूल ही नहीं सकते, मैनेजमेंट के जननी हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? फिर है रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन एंड टेरियन फ्रैंकलिन है। इसमें क्या लिखा जाएगा? Grammarly helps you do this. It helps you rewrite full sentences to improve clarity. कि यहाँ पर डिटेल में समझना जरूरी Okay, फाइल को now भी we will see एनएस भी रिव्यू करने the वाला है, controlling process. कंट्रोलिंग Already we have प्रोसेस seen भी the रिव्यू करने वाला just है। सी, short. जब भी हम कोई पर्टिकुलर What are the फंक्शन parameters पढ़ते हैं तो हम consist उसकी in कोडिंग this प्रोसेस पढ़ते हैं, चाहे parameters? हमने So पढ़ा हो। that parameter we will see in details. What is the meaning of the setting, establishing some standards, then measuring the performance, then comparison, then analysis deviation, and then taking corrective action of that deviation, and then we will further move. Okay, so just see just a brief information regarding this controlling process. Okay. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर एक चीज। तो यहाँ पे भी हम कंट्रोलिंग की प्रोसेस को पढ़ेंगे कि जब इंसान कंट्रोलिंग करने बैठता है, मैनेजमेंट का ये वाला फंक्शन करने बैठता है, तो उसे क्या-क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो एक-एक करके वो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ मैं आपको पूरी प्रोसेस को 5 मिनट में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद हम एक-एक स्टेप को उठाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में समझना जरूरी है, बिकॉज इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, और सब पार्ट्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। बट पहले ओवरऑल पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद सब पार्ट्स पे आएंगे। सबसे पहले है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये क्या बोलता है? देखिए, हमने पढ़ा है कि हम कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। मैंने सोचा मुझे 12th में 95% चाहिए, तो मैंने 95% का एक स्टैंडर्ड सेट किया ना। अब मुझे 94 मिल रहे हैं या 98 मिल रहे हैं, इसको मैं कंपेयर करूंगी इस वाले से जो मैंने पहले सेट करके रखा था। बट अगर मैंने ये सेट ही नहीं किया होगा तो मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करूंगी? तो सबसे पहला प्रोसेस का जो पार्ट है वो बोलता है कि पहले तो स्टैंडर्ड सेट कीजिए आप, जो कि आप काइंड ऑफ प्लानिंग में सेट कर लेते हैं। देन इट सेज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया,
उसके बाद मेजर तो करोगे आप कहाँ स्टैंड करते हो, कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, कितना जा रहा है, कैसा आप अच्छा मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बुरा परफॉर्म कर रहे हो, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो मेजरमेंट का कोई जरिया निकालो जिससे आप अपनी प्रोसेस को, आप अपनी प्रोग्रेस को भाप सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। सो मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस में वो आएगा। देन है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपने अभी अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज की, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे। अब थर्ड स्टेप में आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। जैसे मैंने बोला था 95% मुझे लाने हैं 12th में, ये मेरा स्टैंडर्ड सेट था। अब मैंने एनालाइज किया कि मुझे आए हैं 96%, ठीक है, तो ये हो गए मेजरमेंट। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1% ये कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। एक बार हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे डेविएशन को। हम देखेंगे भैया कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, क्या ये डिफरेंस पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो जब हम डेविएशन पढ़ रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे देयर इज पॉजिटिव डेविएशन, देयर इज नेगेटिव डेविएशन, तो वो सारी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे वीडियो में। बट फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं, ये बोलते हैं कि एक बार आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया तो आप देखिए कि क्या ये डिफरेंस बहुत बड़ा है या बहुत छोटा सा है, क्या इसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एंड देन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। मान लीजिए डिफरेंस आ रहा होता 18% का, मतलब मैंने सोचा होता 95, लेकिन 18 माइनस करके जो भी फिगर आता है उतने मेरे एक्चुअली आए हैं, तो 18% का अगर डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स ये ह्यूज डिफरेंस है, मुझे कहीं ना कहीं और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे कहीं ना कहीं और करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बस यहां वाले स्टेप में हम ले लेंगे करेक्टिव मेजर्स को। एंड देन आता है हमारा फीडबैक। देखिए कम्युनिकेशन हो या जो मर्जी हो, एंड हमेशा फीडबैक से ही होगा। तो फीडबैक लेंगे यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद, और उसके बाद साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी नेक्स्ट कंट्रोलिंग की, क्योंकि उस फीडबैक के बेसिस पे हम आगे के प्लान्स बनाएंगे, आगे के स्टैंडर्ड सेट करेंगे, आगे के स्टैंडर्ड सेट होंगे फिर हम परफॉर्मेंस देंगे, फिर हम उनका कंपैरिजन करेंगे, फिर हम डेविएशन को मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे और फिर से हम फीडबैक पे चले जाएंगे। तो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, ये हमेशा यूं 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 चलती रहती है। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि आपको अचीव क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए, क्वांटिटी वे में मेजर कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, डेविएशंस को फाइंड कीजिए और एनालाइज भी कीजिए। यहाँ पे देखिए डेविएशन कहीं ना कहीं इस वाले में आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि वो डेविएशन किस कारण की वजह से हो रही है, क्या वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, कैसी नहीं है। एंड देन उसके बाद आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे जिससे आपको अगर लगता है कि कहीं पे आपको करेक्शन करनी है वो पूरी हो जाएगी, और फिर फीडबैक देके, जैसे कि ऐसे इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सो ये है ब्रीफ में आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस। बट क्या ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड चलिए आपने फिर भी सेट कर लिए, आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर करोगे, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फिर उसके बाद डेविएशंस को कैसे आप फाइंड करेंगे, कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, कंपैरिजन के क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं, किसके क्या प्लस पॉइंट हैं, किसके क्या माइनस पॉइंट हैं। एंड देन एज आई सेड डेविएशन फिर होती है दो तरह की, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप वो फाइंड करेंगे कि आपकी डेविएशन किस नेचर की है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर आपको पता चलेगा कि करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। और करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है तो उसमें भी बहुत सारे मेजर्स हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला मेजर अपने ऊपर अप्लाई करना है। सो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम हमारे
फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, दैट इज सेटिंग अप ऑफ टारगेट स्टैंडर्ड्स। जब कोई इंडिया खेलेगा ना, तब बात बनेगी। क्या रिंचन और उसके प्लेयर्स की मेहनत रंग लाएगी? फेसबुक। ओके, सेटिंग अप ऑफ टारगेट और स्टैंडर्ड्स में क्या बोलते हैं? देखिए, एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से हम ये पूरे पॉइंट्स को समझेंगे, बट पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दे से स्टैंडर्ड्स मीन्स टारगेट्स और द यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं वो टारगेट्स या फिर एक यार्डस्टिक, मतलब एक मेजरमेंट का तरीका, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि ये बार है, इसके मतलब इसके बेसिस पे आप पता लगाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअली आपने कितना अच्छा अचीव किया वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक यार्डस्टिक है या फिर आपका ये टारगेट है जिसके साथ आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हैं। कंट्रोलिंग तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक इसमें स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए होंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए होंगे। देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब ही यही होता है कि कंपैरिजन करके इनिशिएटिव लेना कि कहाँ पे हम रेमेडी फाइंड कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। बट अगर मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया होगा, तो हम किसके अगेंस्ट अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे? जैसे मैं बोलूं, आपके घर में आपकी बड़ी बहन है, फिर आपका भाई है और सबसे छोटे आप हैं। आपकी बड़ी बहन बहुत इंटेलिजेंट है और उसने अपने 12th क्लास में लिए थे 98%। आपका भाई भी बहुत इंटेलिजेंट है बट उसके आए थे 96%। अब आपके परफॉर्मेंस को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा? इस तरह से एनालाइज किया जाएगा कि आपकी बहन और आपके भाई के कंपैरिजन में आपके कितने मार्क्स आए थे। वो बताएगा कि आप अपने माँ बाप की इंटेलिजेंट औलाद हैं या नहीं है, राइट? सबसे इंटेलिजेंट औलाद है कि नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे। तो आपका रिजल्ट आया, आपका है 85%। तो सबको क्लियर हो गया कि भैया आप तो क्या हैं, दोनों की कंपैरिजन में कम है। लेकिन अगर मानिए आप यहीं पे सिंगल चाइल्ड होते और आपके भाई बहन ऑब्वियसली नहीं होते, तो उनके कोई परसेंटेजेस भी नहीं होते। अब आपको 85 या 86% मिलते हैं और आपके घर वाले इतने ज्यादा खुश होते कि अरे हमारा बच्चा तो अबव एवरेज है, अबव एवरेज है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपके अगेंस्ट कोई भी एक मेजरमेंट का जरिया नहीं था, स्टैंडर्ड सेट नहीं था। जबकि दूसरे वाले इंस्टेंस में आपके भाई बहन के जो मार्क्स थे वो स्टैंडर्ड्स थे जो सेट किए गए थे आपकी फैमिली द्वारा, और आपको उन स्टैंडर्ड्स पे खड़े उतरना था, उसके आगे पहुंचना था, और आपकी परफॉर्मेंस को उसी के कंपैरिजन में हम देखते ले। तो ये बोलते हैं कि कंट्रोलिंग करनी है तो आपको स्टैंडर्ड सेट करने ही पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। Then it says, the standards became basis for comparison at the manager and the manager insists in following of the standards. The standards must be achievable, high and or very high standards that cannot be achieved are of no use. अच्छा, बहुत अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने यहाँ पे। मैं बोलती हूँ एक स्टूडेंट है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप हैं या कोई और है, बट एक स्टूडेंट है, ठीक है? उसके आए हैं 40% मार्क्स। उसके ऑन एन एवरेज हमेशा 40% ही आते रहते हैं, ठीक है? हमेशा उसके कितने ही आते रहते हैं, 40% ही आते रहते हैं। अगली बार इसके 45 आ गए, अगली बार इसके 43 आ गए। अब आई इसकी बोर्ड्स की क्लास, मतलब आया इसका 12th क्लास। इसने 12th क्लास के इनिशियल टाइम पे ही सोच लिया, और ऐसा नहीं है बच्चा मेहनत नहीं करता है, बच्चा मेहनत करता है, इसने हमेशा अपना मैक्सिमम दिया है, उसके बाद 40% आए हैं, ठीक है? 12th क्लास में इसने लिए अपने लिए एक टारगेट सेट किया और वो टारगेट था 98% का। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ये 98% का टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता है, बट एक एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि किसी का अगर इतना 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 परसेंट जा रहा हो, क्या एकदम से वो इतना हाई एक्सपेक्टेशन अपने आप से रख सकता है?
देखिए, करने को जब जीतो और जान से करें तो हर एक चीज हो सकती है, बट आप नॉर्मली बात कीजिए कि कोई बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट है और वो अपने लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस करे, तो हर किसी को लगेगा यार ये तो अचीवेबल ही नहीं है। तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना आपका किसी काम का नहीं रहता। मैं बोलती हूँ, चलिए ये स्टूडेंट वाले इंस्टेंस से हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ये किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं था, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास है 10 वर्कर्स, ठीक है? इसके पास क्या है, 10 वर्कर्स हैं जो कि अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम वो देते हैं, मतलब एक वर्कर पर डे 100 पीसेस बना लेता है और दिस इज देयर मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है? मतलब उन्होंने अपनी जी तोड़ जान लगा दी है। और 10 हैं तो टोटल कितनी बन जाती हैं, 1000 पीसेस पर डे बन जाती हैं। 10 वर्कर्स थे, 100 पीस एक वर्कर बनाता है, तो 10 वर्कर कितने पीस बनाएंगे? इतना मैथ्स मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा। सो वो बनाएंगे कितने, 1000 पीसेस। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम पर डे सेम वर्कर स्ट्रेंथ के साथ 5000 पीसेस एक्सपेक्ट करते हैं। सेम वर्कर स्ट्रेंथ के साथ, यहां पे फोकस कीजिएगा इस वर्ड पे, क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ये सेम वर्कर्स रख रहे हैं, लेकिन नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग 5000 पीसेस पर डे। इनकी कैपेसिटी कितनी थी, 1000 पीसेस के। अब वहीं पे एक वर्कर को ऐसे मानिए 500 पीस बनाने पड़ेंगे जहां पे वो 100 बना रहा था। आप मुझे बताइए, क्या ये फिजिबल है, क्या ये वायबल है, क्या ये अचीवेबल है? मतलब वो अपना पूरा दिन भी लगा दे तो भी 100 से 150 से ज्यादा पीसेस नहीं बन पाए। ए कार्तिक, यही पे अगर हम टारगेट 1200 रखते तो शायद फिर भी वो अचीव हो सकता था, लेकिन 1000 से सीधा 5000, लाइक सीरियसली? तो ऐसे सिनेरियो में 5000 का टारगेट सेट करना, इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज यू नो कि इतना अचीव कोई कर ही नहीं पाएगा। या तो आप वर्कर्स बढ़ा दीजिए या अपने टारगेट्स नीचे ले आइए। तो ये बोलते हैं, जब भी आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं, प्लीज इंश्योर कि आपके स्टैंडर्ड्स एक पर्टिकुलर ऐसे बार पे होने चाहिए जो अचीव कर सकते हो, अदरवाइज वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अब आप यहाँ पे अगर 1200 की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और 5000 का आपका स्टैंडर्ड सेट था, तो ऐसे लगेगा कि भैया कितनी बड़ी डेविएशन है, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा इस चीज को ठीक करने के लिए, विच इज नॉट राइट। सो हमेशा स्टैंडर्ड्स ऐसे रखिए जो कि अचीवेबल हो। हाई स्टैंडर्ड्स का कोई मतलब नहीं बनता है, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अच्छा। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बोले कि मैम टारगेट तो हमेशा बड़े रखने चाहिए ना। तो बेटा बिल्कुल टारगेट्स बड़े रखने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मली 80% लाता है, 70% लाता है, तो वो 75 का टारगेट रख सकता है, मैक्स टू मैक्स 90% का टारगेट रख सकता है, लेकिन 120 का टारगेट रख रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो टारगेट्स हमेशा हाई होने चाहिए। जैसे कि आई सेड 1000 ये नॉर्मली बना लेते हैं, तो आप टारगेट 1200 को सेट कर दो, ये थोड़ा फिर भी ढंग का दिखता है, और 1000 से 5000 पे जाना इज सीरियसली नॉट डन। Standards must be set up, keeping in mind the resources of the organization as far as possible. The standards must be set in numerical or measurable terms. ये बोलते हैं कि organization के सारे resources को ध्यान में रखते हुए आपको standards set करने चाहिए, and at the same time आपके standards कोशिश कीजिए numerical या फिर measurable terms में होने चाहिए। जैसे कि मैंने example दिया, 1000, 2000, 1200, 5000, 200, 400, 800, 98%, 95%, ये क्या मेजरेबल है, इनको मेजर किया जा सकता है। बट मैं बोलूँ बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत बेकार होने चाहिए, अबव एवरेज होने चाहिए, बिलो एवरेज होने चाहिए, अब ये मेजरमेंट का तरीका क्या हुआ भैया इसमें? अच्छा अच्छा तो कोई भी किसी के भी अकॉर्डिंग कैसा भी हो सकता है, दैट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। तो मेजरेबल रखो, ऐसा करो, ठीक है? देन फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेल 20 लाख पर एनम, ये क्या है, मेजरेबल है।
स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4 लाख मेजरेबल है, रिडक्शन इन कॉस्ट 5% मेजरेबल है, ठीक है। तो ऐसे होने चाहिए आपके स्टैंडर्ड्स। देन दे से सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड, सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज इन फंक्शनल एरियाज, यहाँ पे फंक्शनल एरिया की बात हो रही है जो फंक्शंस पे बेस्ड होते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन का ये टारगेट होना चाहिए, टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स पर मंथ, एक महीने में आपको 10,000 यूनिट्स बनानी है, मेजरेबल है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 10%, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय 5%। अगर कोई सीधा लिख दे रिडक्शन करो वेस्टेज में, ठीक है, रिडक्शन करो वेस्टेज में, तो कितनी करो, कैसे करो, वो साथ में बताना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बकायदा यहाँ पे लिखा है कि 5% की रिडक्शन होनी चाहिए, तो वो आपने, आपको एक टारगेट मिल गया है, तो आप 5%। देखो मैं तुम्हें बोलूं, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऑन द अदर साइड मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें 90% लाना है, तुम बताओ ज्यादा जोश तुम्हारा किस तरफ जाएगा। अच्छे मार्क्स तो कुछ भी हो सकते हैं, एज आई सेड इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। कोई 80 पे बोलते हैं मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए, कोई 60 पे खुश हो जाता है मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए, और कोई 98 पे भी खुश नहीं होता कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। बट वेन आई एम गिविंग यू अ फिक्स्ड टारगेट, एक ऐसा वो कि 90% मुझे इस दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और दूसरे हैंड पे तुम अपने आप को यही टारगेट दे रहे हो कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ मेजर करके दिखाना है, मुझे 4,000 यूनिट्स अचीव करने हैं, आप बताइए, आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपका आपका मोरल किस में ज्यादा बूस्ट हो रहा है, इधर वाले में या इधर वाले में। सो हमेशा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेजरेबल क्वांटिटी में होने चाहिए। देन अभी जैसे फंक्शनल में हमने पढ़ा है, वैसे मार्केटिंग फंक्शन में भी सुन लीजिए, टारगेट सेल ऑफ 1 लाख यूनिट्स पर मंथ, इंक्रीज इन मार्केट्स हेयर बाय 10% शेयर इन बाय 10% इन 1 क्वार्टर, इनकेस इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बाय 10%, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस बाय 10%। तो हर एक चीज में आप इस पर्टिकुलर फिगर पे नजर डालिए, क्योंकि ये फिगर आपको एक फिक्स टारगेट दे रही है। सो ये था हमारा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। नाउ ओके, सो टुडे वी हैव सीन दैट द कंट्रोलिंग प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड। ओके, सो व्हाटएवर दैट remaining part is there, that remaining part we will see in the next lecture. Okay, so I request all of you just